बहुत खेल आते थे। हाई स्कूल हेडमिस्ट्रेस सिस्टर लीला, प्राइमरी हेडमिस्ट्रेस सिस्टर रोहिता, सुपरवाइजर सिस्टर रवेका, स्टाफ लैब मैनेजर सिस्टर मिलाग्रेन, यहाँ पर सभी शिक्षक और मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं वैष्णवी जाधव इस विद्यालय की 9वीं कक्षा की छात्र हूँ और ग्रीन हाउस का प्रदर्शन करती हूँ। आज मैं भाषण स्पर्धा के तौर पर आप सभी के सामने एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करना चाहूंगी जिसका विषय जलवायु परिवर्तन है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को हिंदी दिवस की भरपूर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इस मंच पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। तो चलिए विषय की शुरुआत करते हुए सबसे पहले समझते हैं कि जलवायु मतलब क्या, जिसे अंग्रेजी में क्लाइमेट कहा जाता है। तो जलवायु की गणना मौसम के डेटा के आधार पर की जाती है। अब मुख्य शिखर बात है जो जलवायु परिवर्तन या फिर कहें तो क्लाइमेट चेंज धरती के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि से है। तो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, लेकिन क्या ये वही चीज है जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं? यही वो शब्द है जो इन दिनों काफी उछाला जाता है। दोनों को अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लिया जाता है, लेकिन दोनों एक नहीं है। मैं यही बात आज आपको विस्तार से समझाना चाहूंगी, लेकिन भारी भरकम शब्दों में नहीं। अब कल्पना कीजिए कि हमारे कितने विशाल घर है। अब इस घर में मुख्य तौर पर दो चीजें हो रही है, एक ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल वार्मिंग तब होती है जब घर गर्म होने लगता है और क्लाइमेट चेंज तब जब घर के अलग अलग कमरों में मौसम बदलना शुरू होते हैं। जैसे एक घर गर्म हो जाता है, दूसरे कमरे में ज्यादा बारिश और तीसरा काफी ठंडा हो जाता है। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होने वाले बदलाव या फिर कह दो पिछले 40 साल में होने वाले बदलाव को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। यही वो अहम नुक्ता है। वाकई काफी लंबे समय में, लेकिन आजकल हम जलवायु परिवर्तन काफी तेजी से होता देख रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में ये और भी बढ़ जाएगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है, तो चलिए समझते हैं। अब आप ये सब तो जानते होंगे कि पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी सूरज से प्राप्त होती है। जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती है और कुछ किरणों को परावर्तित होने से हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें रोक लेती है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। और यह बात तो 8वीं से लेकर 10वीं के छात्र जानते ही होंगे। वायुमंडल को आप पृथ्वी के चारों ओर एक गैसों का कवच मान सकते हैं और इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया, वरना बेहद गर्मी के कारणों की केवल इंसानों और जीव जंतु का रहना मुश्किल हो जाता। बल्कि पेड़ पौधे फल फूल नहीं पाते क्योंकि उनके लिए फोटोसिंथेसिस होना बेहद जरूरी है, जो कि केवल सूरज की किरणों में ही संभव हो पाया। इसका मतलब ये सूरज के प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। अब आप इस बात से सहमत होंगे कि जिन ग्रीन हाउस गैसों को हमारे सामने खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है, ये तो बेहद जरूरी है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन तभी जब इनकी मात्रा पर्यावरण में संतुलित हो। समस्या तो तब शुरू हुई जब इनकी मात्रा पर्यावरण में बढ़ने लगी और यही से जलवायु संकट शुरू हो चुका था। यह ग्रीन हाउस गैसें बढ़ने के कारण यह सूरज की अधिक गर्मी को परावर्तित होने से रोकने लगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। अब देखिए, काफी समय पहले तकरीबन 1750 के आसपास जब औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान जब लोगों ने कोयले का भरपूर इस्तेमाल किया तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में उछाल आया था। 50 के दशक में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब लोगों ने वाकई ज्यादा गाड़ियां और कार का इस्तेमाल करना शुरू किया तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में फिर बढ़ोतरी हुई थी। तब से दुनिया की आबादी तिगुनी की हो चुकी है और दुनिया हमारे इतिहास में दो ऐसे मोड जहाँ जलवायु संकट शुरू हो चुका था। हम लगातार फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि, जिसकी वजह से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसें लगातार बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि जितना CO2 हमारे पर्यावरण में अब मौजूद है उतना पृथ्वी के 8 लाख साल के इतिहास में पहले कभी नहीं था। समस्या तब और बढ़ गई जब जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले जंगलों को अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा था। औद्योगिक क्रांति की वजह से पृथ्वी के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर यह 2 डिग्री सेल्सियस की हो जाए तो पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो सकता है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान की वजह से पृथ्वी के दो दुगाओं पर जो बर्फ की चादर है वो भी तेजी से पिघल रही है, जिसका परिणाम हमें सागर के बढ़ते जल स्तर के तौर पर दिखाई दे ही रहा है। आने वाले समय में काफी सारे देश और शहर इस पानी में विलीन भी हो सकते हैं। तो मौसम के अप्रत्याशित बदलाव के कारण बेमौसम बारिश, कहीं सूखा, कहीं बाढ़ तो कहीं तूफान आ रहे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। देखिए, हम वैसे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कार की बजाय साइकिल से चले, प्लेन की बजाय ट्रेन से चले, नई नई चीजें खरीदने से बचे,
पुरानी चीजों को फेंकिए मत, अगर खराब हो जाए तो ठीक करा लीजिए और पुनः उसका उपयोग कीजिए। प्लास्टिक का उपयोग बेहद कम करें, भरपूर पेड़ पौधे लगाए और हो सके तो अपनी सब्जी खुद ही उगाए। तो अंत में यही कहना चाहूंगी कि अगर यकीन मानिए, अगर हम हमारे छोटे छोटे कदमों से हम पृथ्वी को इस बड़ी समस्या से बचा सकते। अंत में यही आशा करूंगी कि आपको मेरी यह